Hi everyone, welcome back to my channel. This side Sakshi Dhunjal. Obviously you have seen Manikaran many times from my side, and even the Kasol, even you know of the story of the Kasol, I mean the Manikaran as well. So Manikaran ki jo story hai wo kuch 11,000 saal purani. Agar aapko abhi tak nahi pata, then you must watch my last videos. Filhal chalte hain Manikaran ki taraf. Aaj ka din start hota hai Manikaran se और चलो कसोल के साथ. एज यूजुअल मणिकरण की इतनी मान्यता है कि ऑल ओवर इंडिया से लोग आते हैं. इवन साउथ से आप बहुत लोगों से मिल सकते हैं कसोल में, और स्पेशली मणिकरण में. और यहाँ लोग आके आई एम सो श्योर मैजिक देखने आते हैं. एक्चुअली में ये 100 डिग्री सेल्सियस का गर्म उबलता हुआ पानी कहाँ से आ रहा है? मणिकरण की स्टोरी तो हर बार की बताई है. मेरा मणिकरण आना ये फर्स्ट सेकंड टाइम नहीं है, थर्ड टाइम नहीं है, फोर्थ टाइम नहीं है, फिफ्थ टाइम नहीं है, सिक्स टाइम से भी ऊपर हो चुका है कि मैं यहाँ आ चुकी हूँ. और हाय, एक्चुअली मैं इस जगह से प्यार है. फिलहाल मैं आपको बताना चाहूँगी, नेक्स्ट व्लॉग में मैं जा रही हूँ जैसलमेर की तरफ, तो बने रहिए मेरे व्लॉग्स के साथ. और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको मणिकरण की स्टोरी डालनी है तो मेरे व्लॉग्स में नीचे की तरफ मणिकरण की स्टोरी भी है. ये नहाने की जगह है, निश्चल मस्तक लेख लिखे. आप लोगों को पता है जो लंगर है वो बनता है आपके यहाँ पे. जो पानी आ रहा है आपको पता है पानी कहाँ से आ रहा है, जो गर्म पानी आ रहा है. और पता है आपको प्लेट्स भी खुद लेनी होती है, प्लेट्स भी खुद रखनी होती है. बट धोने वाले इस बार हैं यहाँ पे, सो आप यहाँ पे लंगर कर सकते हैं. प्रसादा चख सकते, प्रसादा छक सकते हैं कहा जाता है. बेसिकली प्रसादा मान जाता है लंगर एक तरीके से. मम्मा मेरी साल प्लेट्स लेने गई हैं. आई एम प्रीटी श्योर शी मस्ट बी फाइंडिंग प्लेट्स फॉर मी एज वेल, क्योंकि मैं नंगे पैर नहीं हूँ. एग्जैक्टली वो तीनों प्लेट ला रही है, हम तीन जने हैं एक्चुअली. दिस इज़ द लंगर फॉर टुडे. आज चावल है, आज खड़ी है, आज साग है. सो आई एम गोना, मतलब ये सारा आज का लंगर है बेसिकली. सो वी आर गोना ट्राई दिस. मेरे साथ है राकेश, मेरी मम्मा और मेरा लंगर ऑब्वियसली. अगर आप लोग देख रहे हैं और मणिकरण आ चुके हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ पर आए. बहुत प्यारी कहानियाँ यहाँ की. अगर आपने कहानी नहीं सुनी तो मैं आप इस वीडियो में लिंक शेयर करूँगी नीचे की तरफ, जिससे आप मेरे पुराने वीडियोस में कहानी सुन सकते हैं. स्क्रीन पे ऑब्वियसली आप ये जगह बहुत बार देख चुके हो, इसमें कोई दो राह नहीं. बट क्या करूँ, कुछ जगह से दिल नहीं भरता उसमें से एक ही है. और अगर आप यहाँ नहीं आए हो तो आप आओ और यहाँ के दर्शन करके जाओ, क्योंकि जो बस है ना वो हार्डली 1500 कोस्ट करती है पर नाइट का, मतलब एक नाइट का. ऑब्वियसली एक साइड का 1500 कोस्ट करती है. अगर आप आ रहे हो यहाँ दिल्ली से, NCR से, और अगर आप उतर रहे हो कसोल में, तो उसके आगे कसोल के आगे मणिकरण हार्डली 15 मिनट का रास्ता, 15 से 20 मिनट बस आपको मिल जाएगी. 30 रुपीज़ में लोकल बसेस चलती हैं. मैं आपसे एक चीज़ और बता दूँ, स्लीपर बसेस नहीं चलती यहाँ आने के लिए. जैसा कि आप लोगों को पता है ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग चले मार रहे हैं. वहाँ पर लंगर जो है वो लंगर पक रहा है वहाँ पे, क्योंकि उसके अंदर नीचे लंगर रखा हुआ सारा. और यहाँ की आपकी स्टोरी आप पता ही है, 6,000 साल पुरानी यहाँ की स्टोरी है. जो अगर नहीं पता, नहीं सॉरी 11,000 साल पुरानी यहाँ की स्टोरी, अगर नहीं पता तो जाओ जाकर मेरा यूट्यूब चेक करो. कैसे हो आप?
तो मम्मी प्लांट तोड़वा रही है, वो पूरा एक साथ ही है, वो पूरा एक साथ ही है, वो गुच्छा ही एक साथ है, क्योंकि भाई यहाँ पे सफाई नहीं होगी बहुत टाइम से। और यहाँ का तो नज़ारा ही बहुत सुंदर है यार, यहाँ खड़े होना मीन्स शांति। मैं मंदिर के बीच वाली साइड खड़ी हुई हूँ, अगर आप यहाँ खड़े हो तो आपको भाप मुँह पर फील होगी कुछ इस तरह से। तो मैं वीडियो में दिखाती हूँ, कितनी क्यूट लगती हो। सो हम सब वेट कर रहे हैं इस क्यूट बच्चे का जो स्केटिंग। ओह क्या बात है, जो स्केटबोर्ड लेके आ रहा है। हेलो ये 0.5 पे ही है। वैलेंटाइन डे की तैयारी, एंड यहाँ फूल रहे हैं फुग्गे और सिम्बा खेल रहा है बाहर फुग्गों से। सिम्बा कहाँ गया? शिवानी का फोन। फुग्गे 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 कहाँ गया सिम्बा? वो बैठा हुआ अभी, वो फुग्गों से नहीं खेल रहा, बाहर चल रही है वैलेंटाइन की तैयारी पूरी की पूरी। सो जो कपल्स कहीं जा नहीं पा रहे तो दे कैन एक्चुअली कम एंड एंजॉय वेलटन हेयर, इज़न्ट दैट लाइक अमेजिंग। बॉल से खेल रहा है, मतलब फुगो से खेल रहा हूँ इस वक्त। मेरी मम्मी पापा को अकेला छोड़ती नहीं है इतनी दूर आने के बाद भी। सुबह से तीसरी चौथी कॉल है उनकी मम्मी को पापा को, कैसे हो, क्या कर रहे हो, कुछ खाया नहीं खाया, ऐसी वाली कॉल। मैं भाई भाई इसमें सोचती हूँ यार, हद ही हो गई यार, मैं शादी कर लूँगी क्या ही होगा फिर तो मेरी ज़िंदगी का। खैर बैलेंस लगाया जा रहे हैं, चलो कसूल में रेड एंड वाइट का थीम। इट्स वन ऑफ द अमेजिंग अमेजिंग वैलेंटाइन फॉर एवरी मतलब कपल। पहली बार वाईफाई यूज कर रही है लाइफ में और मम्मी ऐसी ऐसी बातें कर रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मम्मी इज लाइक कि अपने आप वीडियो प्ले हो रही है यूट्यूब पे। अरे मम्मी अपने आप वीडियो वाईफाई पे अपने आप यूट्यूब पे वीडियो प्ले होती है उसका नॉर्मल। अरे वाईफाई पे अपने आप प्ले होती है, वाईफाई यूज कर रहे हो आप और कोई हिस्ट्री में नहीं जाती सीरियसली। तो ये जो चीकू ही एंड वो छोटा चीकू कहाँ गया? छोटा चीकू तो छोटे छोटे चीकू कहाँ है? अच्छा ओके, ये चीकू छोटा चीकू। मैं आज कल लोग यही खत्म करती हूँ, मम्मी यू नीड टू लर्न समथिंग। तो मैं आज कल लोग यही खत्म करती हूँ, कल मिलती हूँ गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, शेयरिंग एंड लविंग। सी यू टुमारो।